जैसा कि मैं हमेशा करते आई हूँ, आप लोगों को हमेशा एक से एक सुंदर जगह ही दिखाया है मैंने, क्योंकि मुझे भी पसंद है सुंदर जगहें, सुंदर पार्क हो, सुंदर जंगल हो, सुंदर नदी हो, सुंदर वाटरफॉल हो। कोशिश करती हूँ आप लोगों को हमेशा यूनिक दिखाने का। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो पहली बार देख रहे हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये बॉम्बे में। क्रिसमस के थोड़े आसपास हम लोग गए थे इसे देखने। अचानक हमें पता चला कि बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है, तो हम लोगों ने अचानक प्लान किया, मैं, देवर, देवरानी, फ्रेंड, उनके बच्चे सारे मिलके गए थे। मज़ा भी बहुत आ रहा था। देखिए कितने सारे लोग फोटोग्राफी में बिजी हैं, कोई वीडियो कर रहा है, कोई अपनी फ़ोटो ले रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये गार्डन है। ये पूरा गार्डन मेडिटेशन पे आधारित है। इसमें सूर्य नमस्कार के सारे पोस्चर दिए हुए हैं, उनको लाइट से बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। और सबसे खूबसूरती वाली बात है, सबसे विशेष बात है, ये गार्डन में सोलर सिस्टम का बहुत अच्छे से उपयोग हुआ है। इसकी जो फ्लोरिंग की गई है, आप आगे देखेंगे, ब्लू लाइट से फ्लोरिंग है। पूरी फ्लोरिंग में सोलर सिस्टम के प्लेट्स बैठे हुए हैं, तो ये आइडिया लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बहुत खूबसूरत भी लग रहा है ब्लू लाइट्स। ये देखिए ब्लू लाइट्स, ये सारे सोलर सिस्टम प्लेट्स बैठे हुए हैं। इतना खूबसूरत है कि किसी को घर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। बीचों बीच एक मूर्ति बैठाई गई है, जो कि साधु के भेष में है, मेडिटेशन के मुद्रा में, योग मुद्रा में। वो भी बहुत खूबसूरत लग रही है। उसके पीछे चारों तरफ से रेज किया हुआ है, जो कि दूर दूर तक वो रोशनी जा रही है। कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हम लोग गए थे अपनी फैमिली का, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। वीडियो लेना मैं भूल गई फैमिली के साथ, तो कुछ फोटोग्राफ्स मैंने शेयर किए हैं इस वीडियो में। अच्छा लगे तो YouTube में कमेंट्स करना ना भूलें, प्लीज़ बताएं कैसा लगा। ये जगह है बॉम्बे में बांद्रा के पास, सीलिंग ब्रिज है, उसके बगल में ये पार्क है, नया ही पार्क है, 3-4 साल पहले बना है, और बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। क्रिसमस के आसपास के टाइम का ये वीडियो है। बॉम्बे में ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती, बहुत ही प्लेजेंट वेदर चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है अभी बाहर निकलने में। लाइट्स के जो कलर कॉम्बिनेशन भी हैं, बहुत सुंदर से सजाए गए हैं। ये देखिए फैमिली फोटोग्राफ्स हैं हमारे। सभी एंजॉय कर रहे हैं लाइट्स को देख के। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है रेखा ब्लॉग लाइफ। ये हर रविवार और हर बुधवार को शाम को 7 बजे आता है। तो अभी तक आपने देखा होगा कितनी सुंदर जगह है। पहले के वीडियो जो देख ली है उनको सब पता है कि मैं बॉम्बे में रहती हूँ, अंधेरी वेस्ट में। तो अचानक प्रोग्राम बना क्रिसमस के आसपास, और यहाँ बहुत सारी जगह है जो क्रिसमस से न्यू ईयर तक बहुत सुंदर से सजाते हैं। सीलिंग के पास में ये एक बहुत बड़ा गार्डन है, नया गार्डन है, बांद्रा में है ये, और ये बहुत सुंदर सजाया जाता है और न्यू ईयर तक इसे रखा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात है, जो भी नीचे साइड में लाइट्स हैं फ्लोर पे, वो सारे सोलर सिस्टम प्लेट्स पे लगे हुए हैं, तो ये इससे इलेक्ट्रिसिटी की बचत भी होती है, और बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ अभी तक तो आपने देख ही लिया होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, धन्यवाद एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप सब खुश रहें, हमारा नया साल सबके लिए नई नई अच्छी अच्छी खुशियां लाए, सभी हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। उस गार्डन के पास ये फ्लाईओवर था जिसमें ये लिखा हुआ, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने इसका फोटो ले लिया। अब वापस घर जाने की बारी है, घर वापस के वो लौट रहे हैं। काफ़ी रात हो चुकी है, मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन देखिए फिर से लाइट्स इसके बाउंड्री वॉल गार्डन के। थैंक यू, नमस्कार।